पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदम्बरम को आज देर शाम गिरफ्तार कर लिया गया है। आईएनएक्स मीडिया केस में दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज होने के बाद राहत के लिए पूर्व मंत्री ने शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया। इस पूरे केस में आईएनएक्स मीडिया की प्रमोटर इंद्राणी मुखर्जी के सरकारी गवाह बनने के बाद से चिदम्बरम की मुश्किलें लगातार बढ़ती गई और फिर मामला गिरफ्तारी की नौबत तक पहुंच गई। जांच एजेंसियों का दावा है कि सन 2007 में जब चिदम्बरम वित्त मंत्री थे तब उन्होंने पीटर मुखर्जी और इंद्राणी मुखर्जी की कंपनी आईएनएक्स मीडिया को मंजूरी दिलाई। इसके बाद इस कंपनी में कथित रूप से 305 करोड़ का विदेशी निवेश आया। मात्र 5 करोड़ के निवेश की अनुमति मिली थी लेकिन आईएनएक्स मीडिया में 300 करोड़ से अधिक का निवेश हुआ। कथित रूप से खुद को बचाने के लिए आईएनएक्स मीडिया ने कार्ति चिदम्बरम के साथ साजिश की और सरकारी अफसरों को प्रभावित करने का प्रयास किया। दावा किया गया कि चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम ने रिश्वत ली थी। सीबीआई का आरोप है कि एक निजी कंपनी जिस पर कार्ति चिदम्बरम का कंट्रोल था उसको इंद्राणी और पीटर मुखर्जी के मीडिया हाउस से फंड ट्रांसफर हुआ था। सीबीआई का आरोप है कि कार्ति ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके आईएनएक्स को फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस हासिल करने में मदद की थी। आईएनएक्स मीडिया मामले में सीबीआई ने 15 मई 2017 को प्राथमिकी दर्ज की थी। इसके बाद ईडी ने पिछले साल इस संबंध में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था। विदेशी निवेश की आड़ में एफआईपीवी में चल रहे खेल का खुलासा 2G स्पेक्ट्रम घोटाले की जांच के दौरान एयरसेल मैक्सिस डील की जांच से होनी शुरू हुई। इस डील में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर ही ईडी टीम का ध्यान मैक्सिस से जुड़ी कंपनियों से तत्कालीन वित्त मंत्री चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम से जुड़ी कंपनियों में पैसे आने पर गया। जब ईडी मामले की तह तक पहुंची तो इस केस में घुसखोरी की परतें एक के बाद एक खुलती चली गई। आईएनएक्स के प्रमोटर इंद्राणी मुखर्जी के सरकारी गवाह बनने के बाद चिदम्बरम पर शिकंजा कसना शुरू हो गया और आखिरकार आज उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सलूशन पा सकते हैं स्वास्थ्य केयर मोबाइल ऐप के द्वारा। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। स्वास्थ्य केयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।